हेलो एवरीवन, टाइप वॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं लोढ़ा क्राउन तलोजा प्रोजेक्ट में, जिसे डेवलप किया गया है लोढ़ा ग्रुप ने। इस प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है वो डोंबिवली ईस्ट साइड में आता है और ये प्रोजेक्ट एग्जैक्ट जो लोकेटेड है वो डोंबिवली और तलोजा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है। तो यहाँ से आप नवी मुंबई भी ईजिली जा सकते हो, यहाँ से आप डोंबिवली भी ईजिली जा सकते हो। तो अभी ये प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 40 एकर्स में टोटल बन रहा है। तो इसमें अभी हमारे 3 क्लस्टर है। जो हमारा पहला क्लस्टर है वो ऑर्चिड क्लस्टर है। इसमें टोटल 15 बिल्डिंग है और ये सभी बिल्डिंग जो 1 BHK फ्लैट है और ये रेडी टू मूव में हमारे पास अवेलेबल है। जो हमारा सेकंड क्लस्टर है ये जैस्मिन क्लस्टर है। इसमें भी हमारे सारे 1 BHK फ्लैट है और ये टोटल हमारे 12 बिल्डिंग है और यहाँ पे भी आपको पूरा रेडी टू मूव फ्लैट्स है। ये जो हमारा थर्ड क्लस्टर है ये वॉयलेट क्लस्टर है। तो इसमें टोटल 5 बिल्डिंग है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये 2 BHK में है। इसका पोजीशन आपको 2023 में मिल जाएगा। अभी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हो अभी हमारा रेडी, ये अभी हमारा बैक साइड में जो दिख रहा है ये सेल्स ऑफिस है। बाद में इसे लोढ़ा का यहाँ पे स्कूल आने वाला है, तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ये लोढ़ा का स्कूल रहेगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे एम्यूनिटीज़ एरिया है, ये आपको एम्यूनिटीज़ में बाद में आपको शो करूँगा। आप ये जो रोड देख रहे हो ये हमारे बिल्डिंग का प्रीमाइसेस का रोड है, ये डायरेक्ट हमारे बिल्डिंग को बाद में कनेक्ट करेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। आज हम लोग आपके लिए लोढ़ा में कम बजट में आपको प्रोजेक्ट लेके आए हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ कम बजट में प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप आपका बजट भी कम रहेगा तो भी आप यहाँ पे फ्लैट ले सकते हो। आप अगर बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लोग को टावर में फ्लैट चाहिए लेकिन उनका बजट कम रहता है, तो भी आप यहाँ पर फ्लैट ले सकते हो। तो अभी हम लोग लोकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जो सबसे मेन चीज़ डोंबिवली जो स्टेशन है वो 20 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से आप 20 मिनट्स में डोंबिवली स्टेशन जा सकते हो। यहाँ से ही आप हाईवे पे आप जाओगे 2 मिनट में चल के हाईवे है। तो यहाँ हाईवे से आपको NMT बस मिल जाएगा टूवर्ड्स आप नवी मुंबई जा सकते हो या फिर आप राइट हैंड साइड में कल्याण साइड जा सकते हो। यहाँ से ही आपको जो एम्स हॉस्पिटल है वो 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। जो हमारा मानपाड़ा मेट्रो स्टेशन जो आने वाला है वो भी 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर है। जो हमारा ऐरोली कटाई नाका जो रोड रहा है जो आपको नवी मुंबई का कनेक्टिविटी देगा 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पर ही है। तो यहाँ पे लोकेशन वाइज बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे सेल्स ऑफिस की तरफ, चलिए। ये हमारा पूरा रिसेप्शन एरिया है। आप देख सकते हो ये हम लोग ने रिसेप्शन के लिए बनाया है। आप जब पहले एंटर करते हो तो हम लोग आपको एक कोड देते हैं, वो कोड आपको रिसेप्शन पे दिखाना रहता है। तो यहाँ पे आप रिसेप्शन में वो कोड दिखा सकते हो और फिर हम लोग आपको वेटिंग एरिया में लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं वेटिंग एरिया में, चलिए। आप रिसेप्शन से जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये हमारा कस्टमर वेटिंग एरिया है। यहाँ पे हम लोग ने वेटिंग एरिया बनाया, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो अभी मैं आपको 3D मॉडल पूरा दिखाता हूँ, आइए। ये हमारा 2 BHK का सैम्पल 3D मॉडल है। यहाँ पे हमारा एज इट इज़ ऐसे ही पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी आप हमारे एम्यूनिटीज़ देख सकते हो, ये हम लोग ने एम्यूनिटीज़ का पूरा 3D मॉडल बनाया है। यहाँ पे हम लोग ने जो लोढ़ा का स्कूल है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये हमारा लोढ़ा का स्कूल है और हम लोग का जो भी एम्यूनिटीज़ है वो हम लोग ने यहाँ पे शो किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे सैंपल फ्लैट की ओर जो हमारा 2 BHK का है, चलिए। ये हमारा लोढ़ा क्राउन का 2 BHK सैंपल फ्लैट है। इसका जो कारपेट एरिया है वो 435 का कारपेट एरिया है। आप जैसे ही एंटर करते हो आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में जो एंट्री डोर है वो आपको थोड़ा क्रॉस दिखेगा। तो ये हम लोग ने आपको वास्तु के हिसाब से ईस्ट वेस्ट फेसिंग में इसे डिज़ाइन किया है। आप जैसे ही एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मेरे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ने आपको किचन दिया हुआ है। तो आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। आप जैसे ही किचन में आप एंटर करते हो तो आपको एयर टाइप पूरा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, जो कुकिंग प्लेटफॉर्म आपका है ये काफ़ी वाइड है, तो यहाँ पे आपको कुकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने आपको सिंक दिया हुआ है। जो भी हम लोग सबको फिटिंग्स दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड फिटिंग्स है। आप राइट हैंड साइड में मेरे देख सकते हो ये आपका फ्रिज के लिए स्पेस है, तो फ्रिज के लिए काफ़ी वाइड स्पेस है, तो यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा। आप यहाँ पे जो हमारा ये किचन दिख रहा है ये पूरा हम लोग ने सिंगापुर स्टाइल में इसे डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में का डाइनिंग एरिया है, तो ये हम लोग डाइनिंग एरिया आपको लोढ़ा की तरफ से आपको पूरा करके देने वाले हैं। ये आपका जो डोर है ये फोल्डेबल डोर है, तो ये भी आपको हम लोग लोढ़ा की तरफ से देने वाले हैं। तो इसको आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी आप ओपन कर सकते हो। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ये स्लाइडिंग डोर दिख रहा है, तो ये डोर भी हम लोग आपको लोढ़ा की तरफ से पूरा देने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा किचन है। तो अभी हम लोग एंटर करते हैं हमारे हॉल में, चलिए। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े ये हमारा लिविंग रूम है। आप देख सकते हो लिविंग रूम काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे हम लोग ने आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए आपको प्रोविज़न दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका टीवी आ जाएगा। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग ने आपको सोफ़ा सेट के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सोफ़ा सेट आ जाएगा। ये जो हमारा रूम है ये 435 का कारपेट है, इसमें आपको एक साइज़ बड़ा भी मिलेगा, जो 470 का आपको कारपेट मिलेगा। तो ये जो हॉल है ये हॉल का साइज़ बड़ा रहेगा, बाकी फ्लैट हमारा एज इट इज़ है। आप ये हमारे लिविंग रूम में देख सकते हो, आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको टाइल्स प्रोवाइड किया है। आप बैक साइड में देखोगे तो आपको 8 फीट का विंडो दिया हुआ है, तो ये आपका विंडो काफ़ी बड़ा है, वाइड है, तो आपको सनलाइट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे लिविंग रूम में दोनों साइड में आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हम आपको दोनों बेडरूम में आपको हम लोग वॉशरूम दे रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम की ओर, चलिए। ये हमारा पहला मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने आपको बेड डाल के बताया हुआ है कि आपका एग्जैक्ट स्पेस कितना बचने वाला है। तो यहाँ पे आपका बेड डालने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने आपको 8 फीट का विंडो दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको सनलाइट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका पूरा वार्डरोब आ जाएगा। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपका पूरा टीवी यूनिट आ सकता है, यहाँ पे आप टीवी यूनिट भी कर सकते हो। तो आपका बेड के बिल्कुल सामने आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मास्टर वॉशरूम की ओर, चलिए। यह हमारे फ्लैट का मास्टर वॉशरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने आपको सिंक के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सिंक है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए स्पेस है, तो यहाँ पे आपका स्टोरेज के लिए स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग आपको फुल हाइटेड टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो पूरा फुल हाइटेड टाइल्स हम लोग ने प्रोविजन दिया हुआ है। आप नीचे देख सकते हो तो वॉल माउंटेन कमोड हम लोग ने आपको दिया हुआ है, तो आपको सर्फेस क्लीनिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो हम लोग जो भी फिटिंग्स आपको दे रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड फिटिंग्स है। आप ऊपर देख सकते हो हम लोग ने गीजर का भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा पूरा मास्टर वॉशरूम है। आप साइज देख सकते हो तो काफी बड़ा है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड मास्टर बेड की ओर, चलिए। तो ये हमारे फ्लैट का अभी सेकंड मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पर भी बेड डाल के आपको बताया हुआ कि आपका एग्जैक्ट स्पेस कितना बच रहा है। तो ये हमारा पूरा बेड है। आप लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखोगे तो यहाँ पे आपको 8 फीट का विंडो मिल रहा है, तो सनलाइट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में अपना ड्रेसिंग टेबल बना सकते हो, जो अभी हम लोग ने दिखाया हुआ है। आप यहाँ पे मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो वार्डरोब के लिए काफ़ी अच्छा आपको स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। आप बेड के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप आपका टीवी यूनिट का प्रोविजन दे सकते हो, तो यहाँ पे आपका टीवी यूनिट का भी प्रोविजन आ सकता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मास्टर वॉशरूम की ओर, चलिए। तो ये हमारा मास्टर वॉशरूम है। आप मास्टर वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर करते हो आप राइट हैंड साइड में मेरे देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन फिट हो जाएगा। स्पेस देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने आपको एक्स्ट्रा स्पेस के लिए जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हम लोग ने आपको सिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप हैंड वॉश करने के लिए इसे यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे हमारा मास्टर वॉशरूम का स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस आपको मास्टर वॉशरूम मिल रहा है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने आपको वॉल माउंटेन कमोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सरफेस क्लीन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपका शॉवर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आपको गीजर का प्रोविजन दिया हुआ है। तो यह हमारा पूरा मास्टर वॉशरूम है। यहाँ पे अभी हमारा 2 BHK का सैम्पल रूम टूर हो चुका है। इसे हम लोग ने हमारे हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। आप आपके हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो और अच्छा इसको बना सकते हो। तो इस फ्लैट के कॉस्ट के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे 1 BHK फ्लैट में, चलिए। आप अभी आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं आप देख सकते हो ये हमारे प्रोजेक्ट का इंटरनल रोड है, और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो सभी शॉप्स आपको अवेलेबल है। ग्रोसरी मार्ट्स है, बैक साइड में देख सकते हो मेडिकल है, उसके बाजू में बीकानेर स्वीट्स है, तो सब कुछ आपको नियर बाय में यहाँ पे ही मिल जाएगा। अभी हम लोग जिस एरिया में आए हैं ये हमारा 380 का कारपेट एरिया वाला 1 BHK फ्लैट है। ये आपको रेडी टू मूव में आपको मिल जाएगा, तो आप इमीडिएट यहाँ पे मूव कर सकते हो। तो ये हमारा एक्चुअल सैम्पल फ्लैट है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 380 का कारपेट एरिया है। आप देख सकते हो हम लोग ने आपको बहुत बड़ा यहाँ पे लिविंग रूम दिया हुआ है। यहाँ का साइज़ देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने आपको टीवी यूनिट के लिए स्पेस दिया है, तो यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। आप यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो हम लोग ने यहाँ पे आपको सोफा सेट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे सोफा सेट आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो सोफ़ा डालने के बाद भी ये रूम में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मेरे बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 8 फीट का विंडो है, तो ये एयर वेंटिलेशन के लिए अच्छा है, सनलाइट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारा पूरा लिविंग रूम है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे वॉशरूम की ओर, चलिए। आप जैसे ही वॉशरूम में इधर आते हो तो हम लोग ने आपको सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम आपको सेपरेट दिया हुआ है। आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे हम लोग ने आपको सिंक दिया हुआ है, तो आप बाहर ही हैंड वॉश कर सकते हो, तो आपको बार बार अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा सिंक है, नीचे आपका एक स्पेस है, तो यहाँ पे आप स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो। मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने बाथरूम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका बाथरूम आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाथरूम में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा है, आपको फुल हाइटेड हम लोग टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ पे जो भी फिटिंग्स हम लोग आपको दे रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड फिटिंग्स है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे टॉयलेट एरिया की ओर। तो यहाँ पे हम लोग आपको कमोड दे रहे हैं, फुल हाइटेड टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे किचन एरिया की ओर, चलिए। आप जैसे ही ये साइड में आते हो तो यहाँ पे हम लोग ने आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका डाइनिंग का स्पेस आ जाएगा। आप सामने ही मेरे देख सकते हो बैक साइड में, तो यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में, आइए। आप किचन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पे किचन आपको मिल रहा है। मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये कुकिंग प्लेटफॉर्म है, तो कुकिंग का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो काफ़ी वाइड है, तो यहाँ पे आपको कुकिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो साइड में ही आपको वॉश बेसिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप किचन में देख सकते हो बैक साइड में आपको यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस आ जाएगा। आप ऊपर देख सकते हो हम लोग ने आपको फुल हाइटेड टाइल्स प्रोवाइड की गई है, ऊपर आप पूरा ऐसा मॉड्यूलर किचन आप कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा किचन एरिया है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे बेडरूम की ओर, चलिए। तो आप जैसे ही बेडरूम में एंटर करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने बेड डाला हुआ है, तो बेड डालने के बाद भी आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने आपको पूरा वार्डरोब के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका पूरा वार्डरोब आ जाएगा। आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हो हम लोगों ने आपको विंडो दिया हुआ है, तो विंडो आपको एयर वेंटिलेशन के लिए अच्छा है, सनलाइट के लिए काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे हमारे बेड के सामने का जो स्पेस है, आप ये वॉल पे आप टीवी यूनिट का प्रोविज़न हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। हम लोग आपको ये 380 के कारपेट एरिया के साथ हम लोग आपको AC प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बुकिंग के साथ आपको AC भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा पूरा 1 BHK का रूम टूर हो चुका है। अभी हम लोग हमारे एमिनिटीज़ एरिया की ओर चलते हैं, तो चलिए। यहाँ पे हम लोग आपको प्रोजेक्ट में बड़े इंटरनल रोड्स दे रहे हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो ये पूरे बड़े रोड्स है। मेरे आप बैक साइड में यहाँ पे देखोगे तो हम लोग आपको 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहे हैं, ये अभी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आपको जिम दे रहे हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी है, कैफ़े एरिया है, स्विमिंग पूल है, तो ये हम लोग सब एमिनिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे मंदिर की तरफ, आइए। अभी मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ आप बैक साइड में देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ने आपको बड़ा गणेशा टेम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका बड़ा गणेशा टेम्पल आ जाएगा। अभी मैं आपको हमारे टेनिस कोर्ट के इधर लेके चलता हूँ, चलिए। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने बड़ा टेनिस कोर्ट आपको दिया हुआ है, तो ये हमारा पूरा टेनिस कोर्ट का एरिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे गार्डन एरिया की ओर, चलिए। अभी हम लोग जिस एरिया में खड़े हैं ये हमारा गार्डन एरिया है। आप देख सकते हो कितना बड़ा गार्डन एरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप मेरे बैक साइड में देखोगे तो ये लोढ़ा का स्कूल है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप 10 तक यहाँ पे आपको लोढ़ा का स्कूल भी मिल जाएगा। यहाँ पे अभी हमारा लोढ़ा क्राउन तलोजा का पूरा वॉक थ्रू हो चुका है। यहाँ पे अभी मैं आपको हमारे कॉस्ट के बारे में बताता हूँ। जो आपने हमारा 1 BHK फ्लैट देखा है जिसका 380 का कारपेट एरिया है, वो आपको ऑल इंक्लूड पैकेज 35 लाख में मिल जाएगा। हमारे जो कम एरिया है, जो हमारे स्टार्टिंग एरिया है, वहाँ हमारे 27 लाख से लेके 35 लाख तक आपको फ्लैट अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप 27 लाख के बजट में भी आ सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर कम बजट में यहाँ पे फ्लैट लेना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं भी अगर प्रॉपर्टी लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।